ਔਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਭਾਗਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਜਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ दीवान लखपत राय जी आपकी इस मुकदमे के बारे में क्या राय बंदा निवाज मुजरिम मेरा हम मजहबी है और मुजरिम की तरफदारी करना शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे दीवान साहब आपको अपनी आजाद राय देने का पूरा हक मेरी नचीज राय में ये मुकदमा महज एक बच्चों की लड़ाई है एक फजूल की तकरार है वाकई ये तो कानून की मिट्टी पलीट बताइए मौलवी साहब आपकी इसमें क्या राय है जनाबे आला खुदा आपका इंसाफ सलामत रखे इस्लाम में धर्म की तौहीन करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है अगर कोई आदमी इस्लाम की तौहीन करता है तो उसके लिए शरा के मुताबिक फतवाए मौत है फतवाए मौत है फतवाए मौत है हजूर अगर बराहे करम इसे जमानत में छोड़ दे तो हमारे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी दीवान साहब आपका इसमें क्या राता है नवाब साहब मेरी नजर में अव्वल तो यह संगीन जुर्म नहीं है अगर मुजरिम को शक का फायदा देकर जमानत पर रिहा कर भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है वाह भाई वाह ऐसा संगीन जुर्म ऊपर से जमानत का सवाल क्या आप किसी ऐसे शख्स को पेश कर सकते हैं जो मुलजम की जमानत दे सके हजूर मेरा सब कुछ मुलजम हकीकत के सर पे निसार है बंदा जमानत देने को
तैयार है। इससे बकायदा जमानतनामा लिखा लो, कल इसी वक्त अदालत में हाजिर हो। अपना पुत करे वापस जरूर आऊगा, महामाई अपनी जरूर सुनूंगी। महामाई ने अपनी सुन ली, महामाई का कोटी कोटी प्रणाम। मैं तो अपने पुत नु लड्डू खिलाऊंगी। भागमल जी तुहानू बहुत बहुत बधाई होवे। तुहानू बहुत बहुत बधाई वीर जी। हाँ बैठो, अपना हकीकत घर आ गया। हाँ जी, मैनू तो जदों ईश्वर पुत्र ने दसिया कि मुसलमान लड़किया ने हकीकत नाले जबरदस्ती की धर्म का मामला बनाता, मेरा तो दिल ही बैठ गया। छोटे वीर तो बाकी गल छा